जब किसी के यहाँ दुखद घटना होती है तो राक्षस लोग खुशी मनाते हैं, तो किसानों के यहाँ किसानों की हत्या कराई गई और राक्षस लोग लखनऊ में उसकी खुशी मना रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या करें। सौगात दे रहे थे जनता, क्या सौगात दे रहे थे? वो एक महिला का वीडियो आया है, सौगात उस महिला ने बता दी, और इससे ज़्यादा क्या होगा। जिसको उन्होंने समझा कर बैठाया कि आपको ऐसे बोलना है, उस महिला के मुंह से सत्यता निकल गई और वो ऑनलाइन चल रहा था, अगर वो रिकॉर्डेड होता तो ये काट भी देते। धर्मेंद्र जी, आप तो साइकिल यात्रा पर गए थे लेकिन लखीमपुर कांड के बाद में आप लौट कर आ गए, क्यों, क्या डर लग गया आपको? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ से करीब 80-85-90 किलोमीटर निकल चुका था, बड़ौत से आगे था। मुझे शाम को 5 बजे खबर मिली बड़ौत में, फिर मैं वहाँ से 4 किलोमीटर आगे गया और फिर वहाँ किसानों ने मीटिंग की। मैंने कई किसान नेताओं से जो हम मेरे संपर्क में थे, मैंने उनसे भी बात की, तो सबने कहा कि हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप यात्रा पर ना चलें, कुछ दिन रोक दें। तो मैं अपने किसानों के आदेश को मान के वापस आ गया। क्या हो गया इसमें, फिर निकलेंगे, अगर देखेंगे समय निकलेगा फिर निकलेंगे। पूरे मामले पर जो यूपी सरकार जो मरहम पट्टी कर रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं किसान? देखिए, किसान संतुष्ट कैसे हो जाएगा, मेरे तो परिवार के लोग मार रहे हो और मैं ही संतुष्ट हो जाऊंगा? अपराधी जेल के अंदर क्यों नहीं अभी तक? जिस देश के अंदर माफिया, गुंडा, कातिल, ब्लैकर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री होगा, तो वहाँ कानून व्यवस्था कैसी होगी, ये आप सोच करके देखो। अपराधी आप कैसे घेरा सकते हैं बिना कोर्ट के, बिना पुलिस के? क्या है, अरे चंदन की और वो कौन सी लकड़ी होती है उसका तस्कर, ये नेपाल को डीजल सब ब्लैक करने वाला, ये खाद ब्लैक करने वाला, ये और गुंडा एक्ट इस पर, और इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं। उन्होंने तो गृह मंत्री से मुलाकात करी। देखिए, उन्हीं का गुंडा है, उन्हीं की सरकार है, वो किसी से भी मुलाकात कर सकता है, वो तो मोदी जी से भी मुलाकात कर सकता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसानों को लगता है कि किसानों को जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश में हैं, किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, और वहाँ हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, वहाँ क्या स्थिति है, क्या माहौल है, वो ज़्यादा सिचुएशन को संभाल रहे हैं। जिसे मुआवजा दे दिया गया, फिर जिनको पकड़ना चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी कांड किया, जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, वो बच गए, अभी तक वो जेल नहीं गए, मुआवजा तो देश में यही करेंगे, मुआवजा लेंगे। देखिए, अगर किसान की जान इतनी सस्ती है तो ये नहीं, किसान की जान का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो भारत माँ के लिए और भारत के लाल के लिए अन्न उगाता है। सस्ती है इस सरकार के लिए, जितनी भी आज़ादी के बाद आज तक सरकार हुई है, उन सरकारों में इस सरकार ने किसान की जान, पशु पक्षी, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती मान ली है। नहीं, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार किसानों का कोई भला करेगी। हाँ, इतना ज़रूर करेगी कि ये किस पता नहीं और कितने किसानों की बलि लेगी। आपका तो बयान आया था कि अभी तो हम कहते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे यहाँ संविधान बना करके गए, उस संविधान के लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि जब इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उस शपथ का इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडे पैदा करेगा तो समझ लीजिए देश का क्या हाल होगा। रामराज है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल रामराज है, ये रामराज ही है कि किसानों को पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करो और अपराधियों को बचाओ। देश के नेता, देश के किसान, देश के मजदूर, उनको अरेस्ट करो और अपराधियों को खुले छोड़ो और हेलीकॉप्टर भेजकर दिल्ली बुला के उनसे बात करो, ये है मोदी की चाल। आपको नहीं लगता है कि किसान का जमाना
कैसा आंदोलन चाहते हो आप बताओ। कौन कह रहा है खत्म हो गया? देखिए पूरे देश के अंदर इसको लेकर के रोष है, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो अन्य पार्टी का भी हो, उसके अंदर भी इसका रोष है कि इस तरीके से आज तक भारत के अंदर क्या दुनिया में, क्योंकि अंग्रेज लोग थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी वो गोली लगवाती थी, हंटर चलवाती थी, लेकिन कभी किसी को गाड़ी से नहीं रुंधवाती थी। इन्होंने उसकी भी इंता कर आगे को ना घटे, आपकी क्या तैयारी है भैया? हम क्या ये तो सरकार को तैयारी करनी है, हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं? अब हम यहाँ खड़े हैं और पीछे से वो गाड़ी लाकर हम पे चढ़ा दे, या हम सड़क पे चल रहे हैं पीछे से गाड़ी लाकर चढ़ा दे, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग? पर ये ध्यान रखे सरकार कि ये गाड़ी किसानों पर ही नहीं चढ़ती, दूसरों पर भी चढ़ जाती है, इसका सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कहा कि पूरे देश में रोष है, 3 दिन हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार होना चाहिए वो घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बाकी जो मिलने जा रहे थे उनके परिवार को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, जो किसान के साथ सहानुभूति रखता है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो अपराधी हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था उन्हें हवाई जहाज में बैठा के बीजेपी सरकार दिल्ली में बुला के बात कर रही है। तो अपराधी खुले घूम रहे, मैं पहले से कहता आया हूँ कि देश के अंदर जितने अपराधी हैं वो सब बीजेपी में हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो राष्ट्रवादी पार्टी है, देश की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है। ये राष्ट्रभक्ति है, सड़कों पे किसी को मार दो, चलते हुए के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, बलात्कार कर लो, हत्या कर दो, गोलियाँ चला दो, ये अगर ये राष्ट्रवाद है तो ये राष्ट्रवाद भारत को मंजूर नहीं। इस पूरे किसान आंदोलन का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जनता के अंदर रोष है, वोट जनता को देनी है, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। अब जनता को देखना उन्हें क्या चाहिए। आज भी पेट्रोल पर डीजल पर दाम बढ़े हैं, इसके बाद गैस सिलेंडर है घरेलू उस पर भी 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक करा और बढ़ाए, क्योंकि जनता को मारने का इससे अच्छा तरीका इन्हें नहीं मिलेगा कि जनता की जेब से जो पैसा है वो सब निकाल लो और जनता को इतना गरीब बना दो कि वो सुबह उठ के अगर उसे 1 रोटी मिल जाए तो वो उसे विकास समझे। और फिर मैं वही कहता हूँ कि जब जनता गरीब, जब राज किया जाता है, शासन किया जाता है, वो गरीब पे किया जाता है, कमज़ोर पे किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पढ़े लिखे सत्ता से सवाल करते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, चाइना को टक्कर दे रही है बॉर्डर पर। क्या चक्कर दे रही है वो तो पता चला, मैंने घोड़ों पे आए आके पुल भी तोड़ गए सारे देश में आके, क्या टक्कर देना, क्या टक्कर देना बताइए, क्या टक्कर देना? वायुसेना ने अपने जहाज लगा दिए हैं बॉर्डर पर। अरे पहले तुम अपना घर लुटवा दो और फिर जो चौकसी करते रहना। नरेंद्र जी जब चुनाव आते हैं सीमा पे थोड़ा डर लगता है, मतलब खतरा पैदा हो जाता है, क्या लॉजिक है? देखिए वो शायर हैं, अरे सीमा पर बहुत तनाव है, जरा पता करो भारत में कहीं चुनाव है, शायर ने ये शेर कहा था, तो वो लग रहा है तो सीमा पर तनाव है, प्रदेश में चुनाव है, चुनाव खत्म होंगे सीमा का तनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव लखीमपुर खीरी से एक सवाल है कि पूरे इस घटनाक्रम को जिस तरह से मीडिया ने कवरेज किया वो आपके सपोर्ट में कहीं नहीं है। मीडिया देखिए, मीडिया है कहाँ देश के अंदर, मीडिया तो अब बची नहीं है क्योंकि उद्योगपतियों के चैनल हैं और उद्योगपति सरकार के साथ हैं, उद्योगपति सरकार के साथ हैं, तो क्या करोगे आप? हमें उस मीडिया से कोई उम्मीद नहीं, देश का सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया सत्य दिखाता है और सत्य ही दिखाना चाहिए। घटना वाले दिन अगले दिन जो खबरें आई एक अखबार में, जो हेडलाइन उसने लिखी किसानों को बताया उपद्रवी, वो दैनिक जागरण है नाम जो लीजिए, वो आरएसएस का अखबार है और किसान उसका पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं, उसकी प्रतियां जलाई गई थी पहले भी, फिर जलाई हैं। हमारे पास यही है, आंदोलन ही हमारा हथियार है और शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो हमारा जारी रहेगा।